सीतापुर लोकसभा सीट का इतिहास काफी पुराना है। इस सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए। 1952 का चुनाव गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली उमा नेहरू ने जीता था। 1957 का चुनाव भी उमा नेहरू ने ही जीता, लेकिन 1962 और 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस 1971 में फिर इस सीट पर वापस आई। इस दौरान पूरे देश में इमरजेंसी लग गई और इसके बाद 1977 में हुए चुनावों में भारतीय लोक दल ने इस सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1980, 1984 और 1989 के चुनावों में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 1991 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी, 1998 में फिर से बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1999 से लेकर 2009 तक लगातार ये सीट बसपा के पास रही। 2014 की मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के राजेश वर्मा ने जीत ली। इस बार इस सीट पर बीजेपी के राजेश वर्मा, बसपा से कांग्रेस में आई केसर और गठबंधन में बसपा के खाते में गई इस सीट पर नकुल दुबे चुनाव लड़ रहे हैं। सीतापुर में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, सेवता और महमूदाबाद विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में इनमें से सिर्फ महमूदाबाद सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा और सेवता विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सीतापुर सीट पर कुल 16,53,454 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,83,895 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 7,69,582 है। साथ ही ट्रांसजेंडर के 68 वोटर शामिल हैं। सीतापुर लोकसभा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजेश वर्मा ने बसपा से ये सीट जीती थी। बसपा लगातार 3 बार यहां से जीत दर्ज कर चुकी थी। बीजेपी के राजेश वर्मा को कुल 4,17,546 वोट मिले थे, जबकि बसपा से चुनाव लड़ रही केसर जहां को 3,66,519 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के भरत त्रिपाठी रहे। भरत को कुल 1,56,170 वोट मिले थे। एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। उम्मीदवार का नाम राजेश वर्मा, पार्टी बीजेपी, नतीजे जीते, वोट 4,17,546, वोट प्रतिशत 40.66, केसर जहां बीएसपी दूसरा स्थान 3,66,519, 35.69, भरत त्रिपाठी सपा तीसरा स्थान 1,56,170, 15.21। 2009 में सीतापुर लोकसभा सीट पर लड़ाई सपा बसपा और कांग्रेस के बीच थी, लेकिन लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही बसपा की केसर जहां एक बार फिर 2009 में यहां से चुनाव जीती। केसर जहां ने सपा के महेंद्र सिंह वर्मा को चुनाव हराया था। केसर जहां को इस चुनाव में कुल 2,41,106 वोट मिले थे। सपा के महेंद्र वर्मा को कुल 2,21,474 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के रामलाल राही रहे। रामलाल को कुल 1,17,281 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2009 के नतीजे। उम्मीदवार का नाम केसर जहां, पार्टी बीएसपी, नतीजा जीती, वोट 2,41,106, वोट प्रतिशत 34.20। महेंद्र वर्मा सपा दूसरा स्थान 2,21,474, 31.42। रामलाल राही कांग्रेस तीसरा स्थान 1,17,281, 16.64। 2004 में सीतापुर लोकसभा सीट पर बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे राजेश वर्मा ने चुनाव जीता था। राजेश वर्मा ने सपा के मुख्तियार अनीस को हराया था। राजेश वर्मा को कुल 1,71,733 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे मुख्तार अनीस को कुल 1,66,499 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के जनार्दन प्रसाद मिश्र रहे। जनार्दन को कुल 1,17,822 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2004 के नतीजे। उम्मीदवार का नाम राजेश वर्मा, पार्टी बीएसपी, नतीजे जीते, वोट 1,71,733, वोट प्रतिशत 28.79। मुख्तार अनीस सपा दूसरा स्थान 1,66,499, 27.91। जनार्दन प्रसाद मिश्र बीजेपी तीसरा स्थान 1,17,822, 23.10।